पहले तो हर उस लेडी को सल्यूट है, हर उस लड़की को सल्यूट है जो रोज अपने घर का पूरा खाना बनाते हैं, एक टाइम नहीं बल्कि दो टाइम, तीन टाइम, कितने भी टाइम। एक्चुअली आज क्या हुआ कि हमारी कुक नहीं आई। आप जानते हैं हम सब मिलजुल के घर में बनाते हैं, अदरवाइज भी कुक है फिर भी संजीव जी बनाते रहते हैं अक्सर, मैं कभी कोई एक आध चीज बनाती रहती हूँ, मदर इन लॉ बनाती है, तो हम लोग सब मिलजुल के करते रहते हैं कुक होने के बावजूद। तो कई बार क्या होता है जैसे कटिंग उससे करवा ली और बाकी चीज हमने बनवा ली, तो काफी चीजें आसान हो जाती है, या रोटी वगैरह बना गई या सब्जियां, पूरा खाना भी कभी कभी बनवाते हैं क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी भी है इसलिए। तो आज क्या हुआ कि हमारी कुक आई नहीं और बिना बताए नहीं आई, तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा अरे क्या करें अभी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा गुस्से में जो है मैं खाना बना दूंगी सारे घर का। नहीं, वैसे गुस्से में बनाना नहीं चाहिए, खाना टेस्टी नहीं बनता है अगर हम गुस्से में बनाते हैं। तो मैंने जो है फटाफट, अब आप आज जो थाली देखेंगे ना वो ए टू जेड मैंने बनाई है, और इंक्लूडिंग कटिंग वटिंग पिसाई कटाई जो भी होती है सब उसमें मैंने की है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस बनाते टाइम ये सोच रही थी, मैं तो आज कर रही हूँ, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, हालांकि काफी बारिश हो रही है बॉम्बे में, फिर भी इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी गर्मी आ गई थी, गर्मी लग रही थी, तो यही सोच रही थी मन में कि धन्य है वो लेडीज, वो लड़कियां जो रोज सुबह से रात तक जो है हर मील प्यार से अपने परिवार के लिए बनाती हैं, और इनफैक्ट रेसिपीज भी देख देख के बनाती हैं, सोचती हैं उनके बारे में कि उन्हें हेल्दी खाना दें। और यंगस्टर्स, अगर बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, तो प्लीज अपनी मम्मा को अप्रिशिएट कीजिए। आप लोग, हमें वैल्यू नहीं है कि कितना घर का काम जो ये होता है ना, इसकी मतलब ये कितना बड़ा काम है। हमें ऐसा लगता है सिर्फ जो बाहर काम करने जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस चलाते हैं वही बड़ा काम है, नहीं, ये जो घर का बिजनेस है ना, ये जो घर का ऑफिस है, ये चलाना सबसे बड़ा काम है। सल्यूट टू ऑल दी वुमेन। ओके, तो चलिए देखते हैं थाली। उसके पहले ये बता दूं कि जो लौकी की रेसिपी मैंने खाई थी मैंगलोरियन स्टाइल, जिसकी रेसिपी आप लोग बहुत मांग रहे थे, आज शाम को 3 बजे संजीव जी के चैनल पे, यानी कि खाओ दो संजीव सेठ पे आ जाएगी, तो जरूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। लेट्स सी माय थाली। तो आज मेरी थाली में है मूंग की दाल। मैंने बनाई है आज सिंपल मूंग की दाल, क्योंकि फटाफट बन जाती है इसलिए, और साथ में बनाई है पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी में वैसे तो हम मटर डालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा आज की मैंने जो है वो मटर वाले चावल बनाए हैं, तो बैलेंस करने के लिए मैंने खाली ऐसे ही थोड़ी मसालेदार सी पनीर भुर्जी बना ली, जो कि बहुत फटाफट बन जाती है, घर का पनीर फ्रेश था उसकी बना ली। साथ में है चटनी, चटनी के बिना खाना अधूरा लगता है। मटर का पुलाव है ये, मतलब पुलाव तो नहीं कहेंगे, मटर वाले चावल कहते हैं हम इसे, बस खड़े मसाले मटर डाल के जो है इन्हें बना लेते हैं। और साथ में बनाई है रोटी, जो कि टेढ़ी है पर मेरी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, मतलब रोज तो नहीं बनाती हूँ मैं, इसलिए कभी गोल बन जाती है कभी नहीं बन जाती है। तो साथ में रोटी बनाई है एंड एक और रोटी इसके साथ खाने वाली हूँ मैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो ये मेरा बैलेंस्ड मील है। हाँ, वेजिटेबल की थोड़ी सी कमी है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि ये भी प्रोटीन हो गई वो भी प्रोटीन है, थोड़ा सा लगे कि सब्जी की कमी है, तो दूसरे टाइम में कॉम्पेंसेट ज़रूर कीजिए।